तो यार अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि चाइना की एक टॉप लेवल मीटिंग की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें चाइना के टॉप लेवल कमांडर ये प्लान बना रहे कि हम ताइवान पर कैसे कब्जा करेंगे, कैसे ताइवान को इन्वेड करेंगे। हालांकि ये ऑडियो लीक होने के बाद जो बाइडेन ने बोला हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे अगर चाइना ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश की। तो जो बाइडेन की स्टेटमेंट के बाद अमेरिकन चैनल ने कहा कि जो बाइडेन थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, उनका मतलब ये नहीं था कि हम मिलिट्री भेजेंगे ताइवान को बचाने के लिए, उनका मतलब ये था कि हम हथियार देंगे ताइवान को एंड सपोर्ट करते रहेंगे ताइवान को। इस ऑडियो में चाइना का प्लान ये था कि वो लोग 1,00,000 से भी ज्यादा अपने मिलिट्री ट्रूप्स भेजेंगे ताइवान की तरफ एंड 900 से भी ज्यादा अपने शिप्स भेजेंगे, जिससे वो ताइवान पे कंट्रोल पा सके, ताइवान को इन्वेड कर सके। यूएस का अपनी बात से पीछे हटना एक चीज की ओर इशारा कर रहा है कि अगर कल को चाइना ने ताइवान पे हमला करा तो यूएसए ताइवान को बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि यूएस सीधा सीधा कोई वॉर नहीं लड़ना चाहता चाइना से इस वक्त। तो यार ये सब सुन के आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा हो कि यार आखिरकार चाइना की ऑडियो लीक करी किसने? तो ये ऑडियो लीक करी है उन्हीं का ही कोई कमांडर था जिसने फ्रस्ट्रेशन में आके ये ऑडियो लीक करी है। तो यार यही एंड करते हैं इस वीडियो को, एंड जाने से पहले कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम कौन बने। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, एंड टिल देन कीप लर्निंग।